हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर, जो बहुत ही आसानी से आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। मार्केट में बिकने वाला चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आप इसे बहुत ही सस्ते में अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। हम इस बोल में सबसे पहले ऐड करेंगे चीनी। हमने यहाँ पे 125 ग्राम के करीब चीनी ली है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा के करीब केक बना करके तैयार करेंगे, तो उसके लिए 125 ग्राम के करीब चीनी ले लेना है हमें। हमने यहाँ पे खड़ी चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमें सभी चीज़ों को ग्राइंड करना है। और चीनी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर लिया है। आप यहाँ पे किसी ब्रांड के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो कॉर्नफ्लोर पाउडर हमें यहाँ पे 1/3 कप के करीब इस्तेमाल करना है। ये वही कॉर्नफ्लोर पाउडर है जिससे आप चाइनीज बनाने के लिए या फिर आप ग्रेवी को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्नफ्लोर पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वाला कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे किसी ब्रांड के कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग कप से देखें तो 1/3 कप हमने यहाँ पे कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें लेना है। ये देखिए, मैं स्पून से लूंगी इसे और ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है ना वो मुझे निकाल देना है। तो लगभग 1 टीस्पून के करीब यानी 1 छोटा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जीएमएस पाउडर। जीएमएस पाउडर आपको हर जगह पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनके साथ आप इसे नहीं परचेस कर पा रहे तो ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इन्हें परचेस कर सकते हैं। 40 रुपये का पैक में ये मिलता है और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो लगभग 1 छोटा चम्मच हम इसमें जीएमएस पाउडर भी ऐड करेंगे। जीएमएस पाउडर डालने से जो केक का स्पॉन्ज है ना एकदम इंडस्ट्रियल स्टाइल सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए हमने इसमें जीएमएस पाउडर ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इन सभी चीज़ों को करने वाली हूँ ग्राइंड। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर जार, आप चाहे तो बड़ा मिक्सर जार यूज़ कर सकते हैं, मैंने छोटा लिया है। तो मैं इसे 2 बैच में ग्राइंड करके तैयार करूँगी। आधा मिक्सर मिक्सर जार में डालने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करूंगी और इन्हें एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड करके तैयार कर लूंगी। चॉकलेट केक प्रीमिक्स को छानने के लिए मैंने ले लिया है एक बोल और इसके ऊपर डाल दूंगी एक स्ट्रेनर, ताकि सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से छान सकूँ। तो अब मैं इसमें ग्राइंड किए हुए मिक्सर को डालूंगी और हमें इसे अच्छी तरीके से छान लेना है, ताकि जो भी चीनी के बड़े बड़े पीसेस हैं ना वो स्ट्रेनर में रह जाए। और ये लीजिए, ग्राइंड की हुई सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से छान लिया है। और ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरीके से। तो अब मैं फिर से सेम स्ट्रेनर का इस्तेमाल करूँगी और इस स्ट्रेनर में मैं डालने वाली हूँ मैदा। तो मैदा हम यहाँ पे लगभग 125 ग्राम के करीब मैदा का इस्तेमाल करेंगे। मैदा डालने के बाद मैदा को भी हमें अच्छी तरीके से छान लेना है, ताकि इसमें भी किसी प्रकार का कोई लम्स ना रहे। मैदा डालने के बाद अब मैं इन सभी चीज़ों को करूंगी मिक्स। आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैदा को पहले ही छान लिया है तो अब मैं इसे ग्राइंड नहीं करूंगी। और ये लीजिए, चॉकलेट प्रीमिक्स केक रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से केक का पहले ही प्रीमिक्स बना करके तैयार कर सकते हैं और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर करके लगभग 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप फटाफट केक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बिना प्रिजर्वेटिव के आप किस तरीके से चॉकलेट प्रीमिक्स बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब इस प्रीमिक्स से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इंडस्ट्रियल स्टाइल केक बना करके तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। तो हमने जो यहाँ पे प्रीमिक्स बनाया है इसमें हम ऐड करेंगे बटर। लगभग 1/3 कप के करीब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, मेल्टेड बटर। आप यहाँ पे चाहें तो रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। तो दूध हमें यहाँ पे 1 कप दूध ऐड करना है, तो दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो दूध के रिप्लेसमेंट में पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड किया है और अब मैं इसे मिक्स करते हुए इसका थोड़ा सा थिक बैटर बना करके तैयार कर लूँ। आप देख सकते हैं कि स्पून से मुझे बैटर को मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, जो हमारा केक का बैटर है एकदम परफेक्टली बन करके तैयार
हो चुका है, एकदम स्मूथ है इसका टेक्सचर, ये देखिए एकदम रिबन सार सा ये गिरना चाहिए, बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एसेंस, तो हम इसमें चॉकलेट एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो, अगर आप चॉकलेट वाला नहीं बना रहे हैं तो आप पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या वेनिला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लगभग हाफ अ टीस्पून के करीब हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे। एसेंस डालने के बाद फिर से मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। और ये लीजिए, चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट बैटर बना है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे प्लेस कर देती हूँ मोल्ड में। तो मैंने यहाँ पे एक राउंड शेप की मोल्ड ले ली है जो एल्युमिनियम की है, आप चाहें तो कोई स्टील का इस तरीके से राउंड बर्तन भी ले सकते हैं। और इसे हम बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बटर से ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बटर पेपर जिसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। मोल्ड के बेस पे बटर पेपर असेंबल करने के बाद साइड में भी मैं इस तरीके से बटर पेपर लगा दूंगी ताकि जो केक हमारा है वो बीच में से भी ना जले और साइड से भी बिल्कुल भी ना जले। और ये लीजिए, केक का मोल्ड तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें तैयार किया बैटर डालूंगी। बैटर डालने के बाद हम इसे बिल्कुल भी टैप नहीं करेंगे, जो इसमें एयर बबल्स है ना, उसी बबल्स की वजह से जो केक आपका बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज बनकर के तैयार होता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत करिएगा इसे टैप करने की। तो हम इसे डायरेक्टली गर्म कढ़ाई में डालेंगे। और ये देखिए, केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक भगोने को गर्म होने के लिए रख दिया है, और लगभग 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से प्री हीट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की एक राउंड वाली रिंग ले ली है, आप चाहें तो कोई कटोरी या छोटी सी यहाँ पे प्लेट भी आप डाल सकते हैं। और अब मैं इस पे तैयार के मोल्ड को प्लेस कर दूंगी। मोल्ड डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से ढक दूंगी। आप देख सकते हैं जो बटर पेपर है काफी ऊपर आ गया है, बट कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसानी से बेक हो जाएगा। तो मैं इसे लगभग 10 मिनट के लिए पहले हाई फ्लेम पे अच्छे से बेक करूंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को करूंगी स्लो, और स्लो फ्लेम पे मैं इसे 50 मिनट के लिए अच्छी तरीके से बेक करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। सो फाइनली केक को बेक होते हुए पूरे एक घंटे हो चुके हैं, फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, और आप केक देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल गया है, फूल करके एकदम ऊपर तक आ गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो हम इसमें डालेंगे एक टूथपिक, और ये देखिए गाइस एकदम क्लीन है। तो अब इस मोल्ड को मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से बाहर, और अब मैं इसे हल्का सा साइड से स्क्रैच कर दूंगी ताकि बहुत ही आसानी से मोल्ड में से निकल जाए। केक को साइड से स्क्रैच करने के बाद हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है, तो इसके ऊपर मैं रखूंगी एक प्लेट और इस तरीके से मैं इसे पलट लूंगी। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से केक हमारा डीमोल्ड हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर के तैयार हुआ है, एकदम मार्केट स्टाइल। केक की जाली ही बता रही है कि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो अब मैं साइड का भी ये बटर पेपर निकाल देती हूँ। तो लीजिए गाइस, फाइनली हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम बढ़िया सा स्पॉन्ज केक बनकर के तैयार हो गया है। आपने देखा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी है, और आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो प्री मिक्स पाउडर से आपने देखा कितने सिंपल तरीके से केक घर पे ही बना करके तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।